कमाल का एनवायरनमेंट होगा स्टेडियम जब भरता है वो स्टेडियम, तो बहुत इंटिमिडेटिंग भी हो सकता है लोगों के लिए, और नॉइज़ तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी होगी अगर 1.25 लाख लोग वहाँ पे भरे हैं तो। एज आई सेड, मेरे लिए एट दिस स्टेज ऑफ माय करियर ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेमोरीज़ हैं जो कि मैं बिल्कुल चेरिश करना चाहूँगा। आई डोंट थिंक एनीवन वुड हैव एवर एक्सपीरियंस व्हाट वी गोना एक्सपीरियंस ऑन 14। द रीज़न इज सिंपली वी आर प्लेइंग इन वन ऑफ द नाइसेस्ट ग्राउंड्स यू कैन प्ले इन द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, Ahmedabad that too, and I mean, I've already thought about it, you know, it will be a very, very exciting game when you'll hear 110,000 people when you walk down from the stairs shouting either your name or India, and then the biggest of all will be the national anthem, which will be just before the game. It's going to break a lot of records, and at the same point of time, it's going to be a feeling which gonna be next to, you know, a dream actually. Excitement hamesha rahega India Pakistan match ke liye, and it's the first time we're playing at home in our soil, so that'll give us a little bit more excitement, and 120,000 people to add on, so it's just going to be complete madness in Ahmedabad. India Pakistan hamesha excitement rehti hai. प्रेशर जब आप छोटे होते हो तो बहुत प्रेशर रहता है, फील होता है. जब मैं पहली बार खेल रहा था अगेंस्ट पाकिस्तान तो थोड़ा प्रेशर, थोड़ा नर्वस था, बट अभी एक्साइटेड रहता हूँ हमेशा कि इतने लोगों के सामने खेलना बहुत एक्साइटिंग रहेगा. और बहुत ज़्यादा मैं वेट कर रहा हूँ उस मैच का, क्योंकि अहमदाबाद में पूरा पैक रहेगा और मतलब काफ़ी मज़ा आएगा खेलने में. तो आई मीन सबकी एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं कि अच्छा करें, टीम अच्छा करे, वो अलग चीज़ है, बट I'm really looking forward. To be honest, मैं तो डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब मेलबर्न में इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा था, मैं तो जो नेशनल एंथम के टाइम पे पूरा ऑडियंस जो नेशनल एंथम गा रही थी, अभी भी मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे, क्योंकि वो मैं भूल ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि जब तो मैं स्टैंड में बैठा था तो मैं वो चीज़ रियलाइज़ कर रहा था कि मतलब जब मैं खेलूँगा कि इतने क्राउड में तो अपने आप को कैसा संभाल पाऊंगा, मैं समझ नहीं आया वो टाइम पे. सिचुएशन तो ऐसा होगा कि होटल से स्टार्ट हो जाएगा, ग्राउंड जाने के बाद तो होगा ही होगा, बट मेरे ख्याल से जो एक दिन पहले होटल के नीचे जो माहौल रहता है ना, वो पूरा होटल भरा हुआ होगा, रोड्स पूरे, जब बस जा रही होगी तब रोड्स में इधर उधर सब अपने फैंस लोग होंगे, और ग्राउंड पे तो मुझे लगता है जनरली क्या होता है कि मैच चालू होने से 15 मिनट पहले फुल हाउस होता है कि चलो हाँ अभी चालू होगा, या 10 मिनट पहले. बट उस मैच में, इंडिया पाकिस्तान के मैच में, मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे पहले ही पूरा स्टेडियम फुल हाउस होगा, क्योंकि सब लोग प्लेयर को देखना चाहते हैं कि वार्म अप कर रहे हैं, तब देखना चाहते हैं. एक मज़ा आएगा कि इंडिया में, मैं भी आई थिंक बहुत टाइम के बाद इंडिया में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेल रहा हूँ, तो आई थिंक बहुत ही एक्साइटमेंट होगा.